गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं सदी की शुरुआत में एक हिंदू योगी थे, संत में जो भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन में प्रभावशाली स्थापक थे। उन्हें मस्तेंद्रनाथ के दो उल्लेखनीय शिष्यों में से एक माना जाता है और पूरे भारत में पाए जाने वाले उनके अनुयोगियों को योगी गोरखनाथी दर्शनी या कनफट्टा कहा जाता है। ये हिंदू धर्म और नाथ संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं और हठ योग नाथ योगी संगठन गोरखा गोरखपुर के समर्थक थे और इनके गुरु मस्तेंद्रनाथ और इनको सम्मान महायोगी माना जाता है। और ये 9 संतों में से एक थे जिन्होंने नवनाथ में नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र भारत में व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। आत्मकथाएं उन्हें एक मानव शिष्य और समय के नियमों से बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है जो विभिन्न युगों में पृथ्वी पर प्रकट हुए। इतिहासकारों का कहना है कि गोरखनाथ 2री सदी ईसा पूर्व से पहले शमाई के दौरान रहते थे, लेकिन वे किस सदी से सहमत हैं? इसी बात को लेकर ब्रिक्स में 12वीं सदी से लेकर 14वीं और 15वीं सदी से ग्रियर्सन के अनुसार तक पुरातन और पाठ पर आधारित अनुमान है। गोरखनाथ को हिंदू परंपरा में महायोगी या महान योगी कहा जाता है। उन्होंने किसी विशिष्ट आध्यात्मिक सिद्धांत या किसी विशेष सत्य पर जोर नहीं दिया, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि सत्य और आध्यात्मिक जीवन की खोज मनुष्य का एक मूल्यवान और समय लक्ष्य है। और गोरखनाथ ने योग आध्यात्मिक अनुशासन और आत्मनिर्णय के नैतिक जीवन की समाधि और स्वयं के आध्यात्मिक सत्य तक पहुँचने का साधन के रूप में समर्थन दिया। गोरखनाथ के उनके विचार और योगी ग्रामीण भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। उनके लिए समर्पित मठ और मंदिर भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से गोरखपुर नामरिक शहर में। 1830 की जन्मसाखी में दर्शाया गया है कि पांडुलिपि में पेंटिंग के जिसमें गोरखनाथ नारंगी पहने हुए और गुरु नानक देव हरे रंग के कपड़े पहने हुए के बीच में बैठकर चर्चा को दर्शाया गया है। गोरखनाथ कब रहते थे, इस पर इतिहासकारों के अनुमान अलग अलग हैं। 11वीं ईसा पूर्व से 12वीं ईसा पूर्व से लेकर गुरु गोरखनाथ को 13वीं सदी से जोड़ने वाले बाबा फरीद दस्तावेज में और ज्ञानेश्वरी पांडुलिपियों तक के पुरातत्व के और पाठ पर आधारित अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रियर्सन को जिन्होंने गुजरात में खोए गए साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए सुझाव दिया 14वीं सदी और उनका प्रभाव कबीर सिख धर्म और गुरु नानक देव की कविता में उनके लिए कई लिखती रूप में पाया जाता है, जो उन्हें एक बड़े अनुयायी के एक साथ बहुत शक्तिशाली नेता के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि वह संभव उस समय के आसपास रहते थे जब ये आध्यात्मिक नेता रहते थे भारत में। ऐतिहासिक ग्रंथों का अर्थ है कि गोरखनाथ मूल रूप से शैववाद से प्रभावित क्षेत्र में बौद्ध धर्म थे और उन्होंने शिव योग को समर्थन करते हुए हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गए। गोरखनाथ के कुमारीला और आदि शंकराचार्य के विचारों के एक भावुक प्रतिदान के रूप में जीवन व्यतीत किया, जिसमें उपनिषदों की औद्योगिक और उदैत वेदांत व्याख्या का समर्थन किया। गोरखनाथ ने द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बीच विवाद पर विचार भारत के आध्यात्मिक सिद्धांत अभियान के दृष्टिकोण से बेकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बसंत योगी की है और वह किसी भी मार्ग से आध्यात्मिक अनुशासन और अभ्यास व्यक्तिगत अभूतपूर्व चेतना की पूरी तरह से प्रभुभूत समाधि अवस्था की ओर जाता है, ये बैनर्जी कहते हैं। नाथ परंपरा के किवदंतियों का दावा है कि उन्होंने भारत उपमहाद्वीप के व्यापक रूप की यात्रा की और उनके बारे में खाते नेपाल, तिब्बत, पंजाब, सिद्ध कश्मीर, बगैर प्रतकूला, काबुल, उत्तर प्रदेश सहित भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं।
और यहाँ तक भी उत्तराखंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कठियावाड़, गुजरात, कच्छ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और यहाँ तक कि श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। और आखिर में गोरखनाथ की जीवन में उनका वर्णन है कि वे कई बार पृथ्वी पर प्रकट हुए। लिखा है कि किंवदंतियों उस समय का स्थान प्रदान नहीं करती है जहां उनका जन्म हुआ था और उन्हें अलौकिक मानते हैं। जय गोरखनाथ बाबा जी की जय।